हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे साधारण नमक से बहुत सारे केमिकल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। तो उनमें कुछ केमिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा सिंपल साल्ट होता है NaCl, वो हम कैसे बनाते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH की जो रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें NaCl मिल जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ एक NaCl से हम बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए मतलब बहुत यूजफुल होते हैं। तो अब ये NaCl क्या है, NaCl को हम भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं, और मेन ये है कि जो NaCl मतलब जो साधारण नमक है वो हम कहाँ से, समुद्र से प्राप्त करते हैं। तो समुद्र से बहुत सारे लवण, मतलब जो हमारा सिंपल साल्ट होता है, साधारण नमक होता है, उसके साथ में और भी बहुत सारे लवण होते हैं जिनसे इसको पृथक कर लिया जाता है। तो सबसे पहले साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ, मतलब कच्चा पदार्थ क्या, जिसको हम डायरेक्ट यूज, मतलब डायरेक्ट निकालते हैं फिर उसको यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक स्रोत से डायरेक्ट निकला हुआ पदार्थ क्या है, कच्चा पदार्थ। तो यहाँ पर क्या है, साधारण नमक, जैसे साधारण नमक कई पदार्थों के निर्माण में सहायक होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर भी जिससे बोलते हैं आदि। तो अभी आज हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण, मतलब हम कैसे सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की प्रोसेस को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और बेस मतलब क्षार भी हमें साथ में प्राप्त होता है। जैसे NaCl क्या है, साधारण नमक हो गया H2O, इसकी जब हमने क्रिया कराई और इस पर हमने विद्युत प्रवाहित की, तो विद्युत प्रवाहित करने पर क्या हुआ, हमें NaOH मिला। NaOH क्या है, क्षार है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और Cl2 गैस के रूप में मिली एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हो गया है कि मतलब हमने साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो हमेशा आपको ये पता है कि अपोजिट चार्जेस की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, मतलब निगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ। तो जब हमने इस पर विद्युत प्रवाहित की तो क्या हुआ, जो हमारा ये क्लोरीन है, क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है, और एनोड एंड कैथोड दो होते हैं विद्युत में। ठीक है, तो हमारा जो क्लोरीन गैस है उस पर निगेटिव चार्ज है, तो वो किस पर एकत्र होगा, एनोड पर। ठीक है, एनोड, एंड जो हमारा हाइड्रोजन है वो कैथोड पर। इसी तरीके से हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ NaOH का निर्माण भी कहाँ पर होगा, कैथोड पर ही होगा। ठीक है, ये आप अपनी बुक से इस प्रोसेस को देख सकते हैं और इसे समझ लेंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज, OH पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, ये किसकी तरफ, इन पर मतलब विद्युत प्रवाहित की, तो हमारे जो NaCl है, HCl है, ये टूट गए। ठीक है, टूटने के बाद क्या हुआ, क्लोरीन है, OH है, ये क्या है, इस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये एनोड की तरफ जा रहे हैं, और सोडियम एंड हाइड्रोजन किसकी तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हो गई है हमारे निर्माण की किसकी प्रक्रिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की प्रक्रिया। और देखिए, किसी भी केमिकल के निर्माण में अगर आपको इक्वेशन आती है, तो इक्वेशन के मतलब कोई भी, मतलब जो रिएक्शन है, रिएक्शन के बेस पर आप उसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन है आपका रिएक्शन का समझना। अब आप इसको लैंग्वेज में भी, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराई, उस पर विद्युत प्रवाहित की, उसके बाद हमें NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, एंड साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होगी। क्लोरीन